हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन अब प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी वहां पे हम रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इस तरीके के नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख के आए हैं अब अगर इस तरीके का नंबर आ जाए पॉइंट के फॉर्म में तो अंडर रूट नाइन को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर हो पॉइंट की फॉर्म में हो तो उसका रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप कोई और नंबर भी रिप्रेजेंट करके देखिए बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे तो सबसे पहले हमने नंबर देखना है हमारा क्या है अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री तो हमने स्केल उठाना है और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नाइन पॉइंट थ्री लेंथ की जीरो से स्टार्ट करेंगे और नाइन पॉइंट थ्री तक हम क्या कर लेंगे मार्किंग आपने पेंसिल से करना है मेरे से मिस्टेक कम होती है मुझे पता है कैसे करना है तो इसलिए मैं पेन से ड्रॉ करना हूँ और अच्छे से विजिबल हो इसीलिए तो आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए ठीक है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे नाइन तक अपने मार्किंग कर दी ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं बी क्लियर है अब इसको क्या करना है एक पॉइंट एक्सटेंड कर दो इस लाइन को क्या कर दो एक पॉइंट एक्सटेंड जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे फोर पे मार्क किया है ये तो फोर से आगे एक पॉइंट मैं क्या कर दूँगा इसको एक्सटेंड कर दिया जैसे नाइन पॉइंट थ्री था तो टेन पॉइंट थ्री तक हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया इसको मान लेता हूँ मैं सी पॉइंट सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है जैसे मान लिया टेन पॉइंट थ्री या फिर मान लिया फाइव पॉइंट थ्री को हमने मार्क करना होता तो फाइव पॉइंट थ्री की लाइन लेते और फिर क्या कर देते एक पॉइंट और आगे ले लेते क्लियर है तो ये जो लाइन है हमारी ये क्या है नाइन पॉइंट थ्री की है और ये जो है हमारी यहां से लेके यहां तक ये यह है वन सेंटीमीटर सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है जो गिवन हो वो प्लस में वन सेंटीमीटर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जो भी हमारी लाइन ए सी आई है ना उसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कर दो अब बाइसेक्टर कैसे करते हैं सी पॉइंट पे रखेंगे हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लो हाफ से ज्यादा हमें दिख रहा है क्लियरली कि हाफ से ज्यादा होगा इसको क्या करेंगे ऊपर एक आर्क लगा देंगे और सिमिलरली हम क्या करेंगे एक नीचे आर्क लगा देंगे लगा दी इस पॉइंट पे रखेंगे इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे इस आर्क को कट कर देंगे सिमिलरली हम नीचे वाली भी आर्क को कट कर देंगे कर दी कट हमने अब ये क्या बन गया हमारा इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है मतलब इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना तो हमने ये कर दिया इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा आ गया डी पॉइंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा डी पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे अपना और ए तक हम अपना ओपन कर लेंगे कंपास ए तक ओपन करके हम क्या करेंगे इसको राउंड राउंड एक सेमी सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे ये कर दिया मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मत सोचना कि ये आर्क यहाँ से जानी चाहिए या इस लाइन को कट करनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है वो लाइन हमारी मिड पॉइंट के लिए थी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के लिए फिर ये रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ये आगे हमारी सेमी सर्कल उसके बाद हमने क्या करना है जो हमारा पॉइंट बी था इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देना है अब 90 डिग्री का एंगल के लिए हमने क्या करना है देखो ये पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हमने बी पे रखना है और जो ये लाइन है इस लाइन के ऊपर रखनी है तो ये रखी हमने ये पॉइंट बी पे और ये लाइन हमारी लाइन के बिल्कुल ऊपर और 90 डिग्री हमारा ये है तो यहां पे हम इसको मार्क कर लेंगे डॉट लगा दिया मैंने और इस लाइन को आगे क्या कर दूंगा मैं एक्सटेंड और कहां तक एक्सटेंड करना है इस सर्कल तक टच हो जाए कर दिया ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री क्लियर है अब इस पॉइंट को और जो हमारा डी पॉइंट था मिड पॉइंट इसको कर देंगे ज्वाइन कर लिया हमने ज्वाइन बस लास्ट स्टेप बच गया हमारा क्या करना है अब हमें अब हमने क्या करना है यहां पे कंपास रखेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है जितना ये आर्क है इसको क्या करेंगे हम इतना ही ओपन कर लेंगे हमने कंपास से क्या करना है बी पॉइंट पे रखना है और जो भी ये हमारा पॉइंट आया है ना इस पॉइंट को कोई भी नेम दे दे देते हैं ई पॉइंट बी से लेके ई e तक की हम मेजरमेंट कर लेंगे ये कर लिया मैंने बी से लेके ई e तक की मेजरमेंट क्लियर है अब बी पॉइंट पे रखे रखे इसको क्या करेंगे यहां से डोटेड फॉर्म से स्टार्ट कर लेंगे और हम इसको नीचे लेते आएंगे और कहाँ तक लेके आएंगे जहाँ पे हमारी नंबर लाइन थी क्लियर है इसको क्या कर देंगे आगे एक्सटेंड करेंगे और जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट हो जाएगा अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री तो ये पॉइंट जो आ गया ये आ गया हमारा अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री क्लियर है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एक बार दोबारा बताता हूं मैं कैसे करना है कोई भी नंबर गिवन हो वही लाइन हम ड्रॉ करेंगे जैसे ए बी की थी 9.3 की उसमें एक सेंटीमीटर ऐड की हमने बी सी बना लिया अब क्या करना है ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके ऊपर आर्क नीचे आर्क ए पॉइंट पे रखा आर्क कट कर दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब यहां से लेके यहाँ तक हमने कंपास ओपन करना है और एक आर्क लगा देनी है सेमी सर्कल की और B पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसको D से मिला देंगे बी ई कंपास ओपन करके हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन पे आएगी और जो ये नंबर लाइन पे आ रही है ये हमारा जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री का सिमिलरली हम कोई भी पॉइंट अपना नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पेंसिल से करनी है कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो ये हमारा एफ जो पॉइंट आया है पॉइंट एफ इज अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री क्लियर है अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं अंडर रूट सेवन पॉइंट फोर को ड्रॉ कीजिए अंडर रूट इलेवन पॉइंट टू को ड्रॉ कीजिए अंडर रूट फोर पॉइंट थ्री को ड्रॉ कीजिए और सेम मेथड से अंडर रूट फाइव को ड्रॉ करके जरूर देखिए क्या वही हमारा सेम आता है जैसे हम पहले ड्रॉ करते थे अगर वैसे ही आता है तो हमारा आंसर वैसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अंडर रूट फाइव अंडर रूट थ्री और अंडर रूट टू को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं फिर मैं आपको बताता हूं कमेंट में कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को जरूर बताइए क्योंकि आने वाली क्लासेज की वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स